शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज फिर एक नई कविता के साथ, जिसका नाम है रानी बिटिया। हमने हमारी कक्षा तीसरी के 4 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आज हम करने वाले हैं पाठ 5, जो कि एक बहुत ही प्यारी कविता है। कविता का क्या नाम है? रानी बिटिया। क्या नाम है कविता का? रानी रानी बिटिया। और इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कविता में जो रानी बिटिया है वो घूमने निकल चुकी है। ठीक है, घूमने गई है और बहुत सारे भारत के शहरों में घूम कर आई है। जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम कहाँ थी, पर वो फिर उसको क्या कहती है? जवाब देती है कि मैं तो घर पे ही थी। वो पूरा भारत भी घूम आई, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मैं घर पर थी। तो ऐसे उसकी माँ कहती है कि तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तो वो कैसे समझाती है, वो इसी कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चलिए कविता शुरू करते हैं, रानी बिटिया। पहले तो आप इन जगहों को देखिए। नीचे भारत की कुछ जगहों के चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर उनके नाम लिखे, पहले उन आपको नाम लिखना है। और इस कविता में किसकी बात हो रही है? चंडीगढ़, रामेश्वरम, रामेश्वर, दिल्ली, जयपुर की। ठीक है, ये देखो ये क्या है, दिखने में लग रहा है आपको इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ पर होना चाहिए? ये दिल्ली होना नहीं चाहिए बल्कि दिल्ली में है। ये है दिल्ली में। ये जो मंदिर है, रामानाथम स्वामी मंदिर है, ये कहाँ पर है? रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, और ये मंदिर आपको दिख रहा है, ये माता मनसा देवी जी का मंदिर है। ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ में है। और ये जो आपको महलनुमा दिख रहा है, ये पुरानी जो इमारत सी लग रही है, ये कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। इन सभी शहरों की बात इस कविता में होगी। हम चलिए शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी कविता रानी बिटिया। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। यहाँ पर रानी बिटिया घूमने घूमने जा रही है, तो वो क्या कहता है कवि? रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, कि रानी बिटिया दिल्ली से आगे बढ़ गई है। दिल्ली तो पहले जा चुकी, फिर दिल्ली से आगे बढ़ जाती है। चलते 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 पहुँच गई चंडीगढ़। तो दिल्ली से आगे फिर वो कहाँ गई? चंडीगढ़ में। दिल्ली तो हमारे भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है? हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है बच्चों, और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हमारे हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। पहले वो क्या कहाँ गई? दोनों राजधानियों में गई। ये हमारे प्यारे से हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। फिर क्या कहती है रानी बिटिया? चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर। फिर चंडीगढ़ से आगे कहाँ गई वो? जयपुर। मतलब चंडीगढ़ जाकर वो फिर आगे कहाँ चली? जयपुर। चंडीगढ़ से मतलब हरियाणा प्रदेश से निकलकर वो राजस्थान में गई। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वो राजस्थान से में जयपुर में चली गई। और जयपुर को एक नाम और से जाना जाता है, वो कौन सा है? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी। अब आप पूछोगे कि गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इमारतें बनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, वो सभी किस रंग की हैं? गुलाबी। इसीलिए उसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर से रामेश्वर। रामेश्वर तो फिर दक्षिण भारत में हो गया। दक्षिण भारत में जा पहुंची कौन? रानी बिटिया। जयपुर से फिर वो कहाँ गई? रामेश्वरम में गई।
रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर, और रामेश्वर उसका आखिरी वो स्थान था जहाँ वो गई थी, और फिर वहाँ से लौट कर वो कहाँ आ गई, सीधी घर आ गई। माँ ने पूछा, अब माँ पूछती है उससे, माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, कि रानी बिटिया तुम कहाँ चली गई थी, बाहर कहाँ से आ रही हो, कहाँ चली गई थी। बिटिया बोली, फिर बिटिया क्या जवाब देती है, बहुत ही प्यारा जवाब देती है, कहीं नहीं माँ मैं थी घर के अंदर, मैं कहीं नहीं माँ मैं थी घर के अंदर। वो खुद को घर के अंदर बता रही है। अब क्यों बता रही है, वो आगे पता चलेगा। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, सरासर का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से तुम तो झूठ बोल रही हो, इतना बड़ा झूठ कि घर के अंदर ही थी, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया और फिर कह रही हो कि मैं तो घर के अंदर ही थी, झूठ नहीं माँ। फिर यहाँ पर बहुत ही प्यारा जवाब देती है रानी बिटिया, जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को भरता है, वो क्या जवाब देती है, झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। वो संपूर्ण भारत को क्या कहती है, अपना घर बताती है, अपना घर कहती है कि माँ मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने घर में ही थी, मैं अपने भारत में ही थी। वो पूरे भारत को अपना घर बताती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जिस प्रकार से रानी बिटिया ने जवाब दिया कि पूरा भारत मेरा घर है, तो उसी तरह हमें भी अपने भारत को अपना घर मानना चाहिए, हमें हमारे घर की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये किनके द्वारा लिखी गई थी, ये निरंकार देव सेवक जी के द्वारा लिखी गई थी। इस कविता के कवि कौन है, निरंकार देव सेवक जी। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं, निरंकार देव सेवक को बाल कविताएं और शिशु गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो बाल कविताएं मन लुभावने के लिए होती है, बच्चों का मन भुलाने के लिए, बच्चे जिसको कविता को पढ़कर आनंदित महसूस करते हैं, उन कविताओं को लिखने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, निरंकार देव सेवक जी को। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सोचने के लिए कि भारत में आपका मनपसंद शहर कौन सा है। भाई मेरा तो जयपुर है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें मैं जाना चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, शिमला जाना चाहती हूँ। तो उसी तरह से आप सभी का भी कोई ना कोई शहर होगा जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ की सैर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना शहर बताइएगा। दूसरी विषय से जोड़कर, भारत देश में घूमने के लिए कई शहर हैं, आप कहाँ घूमने जाना चाहोगे और क्यों। वही बात हो गई कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको कौन सा शहर पसंद है, भारत के किस राज्य में जाना चाहते हैं, वो सब आपको इसमें बताना है। ठीक है बच्चों, आज आपको ये कविता बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और आशा करती हूँ कि आप इस कविता को समझ पाए होंगे, आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अभी देखिए, भारत को रानी बिटिया अपना घर कहती है, क्या आप उससे सहमत हैं। हाँ भाई सहमत है, क्यों नहीं है सहमत, क्योंकि अगर हम संपूर्ण भारत को अपना घर मान लें तो क्या होगा, क्या होगा, हम हमारे देश की भलाई के बारे में भी सोच सकते हैं। रानी बिटिया की तरह हमें भी संपूर्ण घर, संपूर्ण भारत को अपना घर समझना चाहिए, और रानी बिटिया सही में पूरे भारत को अपना घर कह रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि देश जो हमारी मिट्टी होती है, हमारे देश की मिट्टी, हमारा वतन जो है, जहाँ पर हमने जिस मिट्टी पर जन्म लिया है, वही हमारा घर होता है। तो उसी तरह रानी बिटिया ने इस पूरे भारत को अपना घर कहा है। भारत के कुछ प्रमुख शहरों के नामों का मानचित्र पर ढूंढें और साथ में उस जगह की कोई खास बात पता कर उस पर चर्चा करें। जब हम हमारे इस लॉकडाउन के पश्चात हमारे स्कूल में होंगे, तो हम इस बात पर ज़रूर चर्चा करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि बच्चों आपको कहाँ पर जाना पसंद है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको कौन सा शहर पसंद है। और यहाँ पर देखो बेटा, इस कविता को एक नया शीर्षक दें, नया शीर्षक देना है आपको इस कविता को, कि रानी बिटिया का घर, ये बहुत अच्छा शीर्षक हो सकता है। और आप सोचिएगा
भारत के किसी एक शहर के बारे में कुछ मजेदार बातें अपने साथियों को बताइए, जहां आप घूमने गए, आप जहां घूमने गए हो वहां का बताना है। जैसे कि कोई दिल्ली गया, कोई जयपुर गया, या कोई राजस्थान में गया, या फिर कोई चंडीगढ़ गया, तो उन सबको यहां पर इन सभी बातों को बताना है। आप जहां जाना चाहते हैं उस जगह का चित्र यहां चिपकाएं, यहां पर उन जगहों का चित्र चिपकाना है जहां आप गए हो, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम इसकी थोड़ा सा शब्दों का पिटारा कर लेते हैं। कविता में आए इन शब्दों को पढ़ें। बढ़, चंडीगढ़, रामेश्वर, घर, सरासर, अंदर, बाहर, जैसे तुक बंधी बन गई है, एक दूसरे के साथ तुक जुड़ गया है। कहते हैं ना कि चलो हम, जैसे कि बच्चे आपस में मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं, कि कई बार अक्षरों की भी अंताक्षरी खेली जाती है, कि मैं एक अक्षर बताऊंगा, तुम उसी जैसा दूसरा अक्षर बताना, जैसे मैं बताऊं चूहिया, तुम बताओ गुड़िया, तो इस तरह से एक शब्द से संबंधित ही दूसरा शब्द हो गया, उसकी की ध्वनि आ रही उसमें, उसी की आवाज़ आ रही है। तो उसी तरह से इस कविता में कुछ शब्द आए हैं, जैसे बढ़, चंडीगढ़, रामेश्वर, घर, सरासर, अंदर, बाहर, तो इसी तरह क्या कहेंगे, एक जैसी तुक या ध्वनि वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं, जो तुकबंदी बनाते हैं, तुकबंदी क्या बनाते हैं, तुकबंदी बनाते हैं, तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे बाला, काला, नाला, माला, आज, काज, राज, बाज, ठीक है, किताब, हिसाब, ठीक है, बेताब, इस तरह से कविता में से कोई 10 शब्द चुने और उनके दो दो तुकांत शब्द लिखें। मैं आपको समझा देती हूँ, आपको उसी तरह आपकी अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि मैं कहूँ राम, तो इसी से जुड़ता हुआ शाम, काम, जाम, ठीक है। अभी चलिए चलते हैं गुड़िया, 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 तो ये तुकांत शब्द कहलाते हैं बच्चों। ये क्या कहलाते हैं, तुकांत शब्द, एक दूसरे से तुक बना रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। अभी चलते हैं भाषा से। रानी बिटिया को जयपुर जाना था, रानी बिटिया जयपुर जाने के लिए सुबह सुबह निकल गई, तो यहाँ पर दो बार रानी बिटिया लिखना आवश्यक था, बताइए, रानी बिटिया दो बार लिखना आवश्यक था, नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा क्या लग रहा है, ये वाक्य अजीब लग रहा है, जैसे कि रानी बिटिया को जयपुर जाना था, वह जयपुर जाने के लिए सुबह सुबह निकल गई, वह क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, इससे हमारा वाक्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे रानी बिटिया को जयपुर जाना था, वह जयपुर जाने के लिए सुबह सुबह निकल गई, बात तो रानी बिटिया की हो रही है ना। संज्ञा की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि मैं किन शब्दों की बात कर रही हूँ। जैसे मैं कहूँ कि राम ने फल खाए और राम बाहर चला गया, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर दो बार राम लिखने की क्या आवश्यकता थी, नहीं थी। तो अभी दूसरा वाक्य बनाते हैं कि राम ने फल खाए और वह बाहर चला गया। अभी वाक्य सही लगा। तो जो ये वह शब्द लगाया है हमने, और यहीं पर वह शब्द यहाँ लगाया रानी बिटिया की जगह, तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। जैसे कि देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम भारत है, ठीक है। हमें देश की का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का
सम्मान करना चाहिए। अपने सही जुड़ता है। क्या आपके साथ कोई चंडीगढ़ जा रहा है? जयपुर शहर पसंद है किसको? राम को जयपुर शहर पसंद है या श्याम को जयपुर शहर पसंद है? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो संज्ञा है, तो हमें किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का करना है। तो जयपुर मुझे, ये हमारा सर्वनाम है, मुझे जयपुर शहर पसंद है। घर में पकवान बनाते हैं, कौन बनाता है? हम घर में पकवान बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता और इसका अभ्यास समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कविता को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी।